देखो, मैं पिछली बार भी बताया था कि आज ग्रामीण में लहर आ रही है और हर गांव गांव में से आपने देखा है जनता कितनी खुश है, और ये अब लहर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रामीण में भी हमारा कुछ विकास नहीं हुआ था और कोई काम नहीं हुआ था। ये लहर भिवंडी में भी आप पहुंची है। मैं बार बार बोल रहा था कि देखो, ये भिवंडी में अभी लहर आपने देखा, वहां पे संभे साहब के नाके पे वज्रपट्टी पे कॉर्नर सभा लिया। वो सभा के अंदर बताया भी कि मैं कांग्रेस का ही आदमी हूँ, मैं चुन के आने के बाद कांग्रेस में ही रहने वाला हूँ। वो शरद पवार ने ऊपर से लेके सेटिंग करके जगह इसको दे दी है, जिसको राष्ट्रवादी को जबरदस्ती ये ले लिया है, ये जानबूझ के ऊपर से सेटिंग करके कांग्रेस खत्म करने के लिए। न, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और चुन के आने के बाद में मैं राहुल गांधी के साथ ही रहूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी का बहुत प्रेम है और पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे साथ काम कर रही है ग्रामीण में भी और शहर में भी। उसके अंदर नीलेश सांबरे जी का भी नाम था, तो वो ऐसा कुछ भी दिशा भूल करके काम करना नहीं चाहता था। वो बोल रहे कि भाले मामा का कर रहे थे, हम भाले मामा का कैसा करेंगे, हमारी जगह यहाँ पे 9 बार MP चुन के आया है, यहाँ पे कांग्रेस की महानगर पालिका थी, यहाँ पे सत्ता है हमारी, तो हम कैसे ये जगह छोड़ेंगे कांग्रेस की, यहाँ पे इनका कोई वजूद ही नहीं है राष्ट्रवादी का। यहाँ पे एक तो पिछली बार अभी जो अजीत पवार अलग हो गए थे, शरद पवार और दो गुट हो गए एनसीपी के, इनके वोटों का भी विभाजन हो गया। अभी इनका यहाँ पे 30-35 हजार वोट भी नहीं है ये लोकसभा के अंदर। न, ये जगह कांग्रेस की ले लिया है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने अभी थाम लिया है कि क्योंकि हमारी भिवंडी के अंदर हमको कांग्रेस खत्म नहीं करना है। पहले यहाँ पे आने वाला नगर पालिका इलेक्शन है, अपने ग्राम ग्रामीण में भी देखिए क्या कितनी लहर है। आने वाले जिला परिषद पंचायत समिति में कांग्रेस की सत्ता भी आ सकती है। इसलिए मेरे तमाम कार्यकर्ताओं से अपील है कि अपन ने जो भूमिका ली है लास्ट तक, अपना कांग्रेस का भले चिन्ह नहीं है, वैसा तो आप देखने गए तो अभी नया नया चिन्ह एनसीपी ने भी दिया है, वो भी आजादी है, अपना चिन्ह सिलाई मशीन है, तो कांग्रेस के रूप में हाथ के पंजे की जगह सिलाई मशीन है। तो अपने तमाम वर्करों से, मेरी कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से गुजारिश है कि अपने नीलेश सांबरे जी को चुन के भिवंडी शहर और ग्रामीण के लोगों को अपील करता हूँ कि आप जोर से मेहनत करके इनको तो चुन के लाए। आने वाले महानगर पालिका में सत्ता लाना है अपने को कांग्रेस की, और जिला परिषद और पंचायत समिति में भी सत्ता लाना है, और आने वाले विधानसभा में 6 MLA चुन के लाना है। इसके लिए अपने को नीलेश सांबरे जी को लाना है और ताकत खोखन में भरा रहे। सर ये बताइए कि ग्रामीण में आपकी ताकत का क्या रेखा क्या है वहाँ? देखो, ग्रामीण में हमारी कांग्रेस थी, नीलेश सांबरे जी अगर आते थे, कांग्रेस से उनको पहले ही टिकट देते ना, तो हकीकत में कांग्रेस की लहर और ग्रामीण में ताकत जो उनका, पालघर जिले में देखो ना, पालघर जिले के अंदर उन्होंने खुद के बल पे जिला परिषद में सत्ता लाई है, नगर पंचायत में भी लाई है, नगर परिषद में के अंदर उनके नगर सेवक और नगर अध्यक्ष चुन के लाया है, तो पंचायत समिति में भी सभापति है उनका। तो ये ग्रामीण में तो आपने देखा है, तो ग्रामीण में कोई यही नहीं है। नीलेश सांबरे एक ऐसा नेता है, समाज सेवा करने वाला, जनता का उनको बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा नेता वापस दोबारा अपने को मिल नहीं सकता है, बहुत अच्छा ये नेता मिला है। सर शरद पवार जी के बारे में आप क्या बताना चाह रहे थे जी? शरद पवार साहब ने हमारा हमेशा ही नुकसान किया है कांग्रेस पार्टी का। देखो, मैं आपको मालूमात देता हूँ कि अंतुले साहब हमारे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज से वो मुख्यमंत्री थे, बने थे, उनकी भी कुर्सी में उनकी गिराने के लिए शरद पवार ने काम किया था, उनको नीचे गिराने के लिए, उनको कुर्सी में से हटाने में शरद पवार का हाथ था। मैं तमाम मुस्लिम समाज को बोलना चाहता हूँ मैं कि ये जो काम कर रहा है शरद पवार, पहले से गलत काम कर रहा है। सिंगा साहब थे, सिंगा साहब का भी उन्होंने ऐसे 5 बार संसद बने थे, उनका भी जानबूझ के उन्होंने टिकट काट दिया कांग्रेस में रहकर भी, और उनको नगर हवेली भेज दिया। उसके बाद में अंतुले साहब भी 5 बार रायगढ़ से संसद बने थे, उनका भी टिकट काट के औरंगाबाद उनको भेजा गया। ये शरद पवार जानबूझ के कांग्रेस कोंकण थाने जिले में, कभी उसने अपना थाने जिले के अंदर विकास तो किया नहीं। जो हमारे नेता लोग चुन के आते थे उनको कैसा गिराने का काम किया है,
एक बार पिछले बार अभी लोग बोलते हैं इंडिया एयरलाइंस बोल रहे, पिछली बार हमारे सिंगला साहब जब चिंतामन वंदा साहब जब इलेक्शन में खड़े थे पालघर से, कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया, तो एनसीपी हमारे साथ में गठबंधन में थी, एनसीपी ने वपन काम बीजेपी का किया था। मैं उसका प्रूफ देने के लिए चाहता हूं, इन्होंने खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट करके उन्होंने चुन के लाया था और सिंगला साहब के खिलाफ काम किया था। ये एनसीपी कभी भी, मैं भी, हम भी जिला परिषद में खड़े रहे, हमारे साथ भी गद्दारी की है, एनसीपी के कार्यकर्ते कभी कांग्रेस का काम नहीं करते, कभी काम आज तक उन्होंने किया नहीं है दिल से, वो दूसरे पार्टी को बीजेपी को हमेशा मदद करते आए हैं। यही मेरा जनता से कहना है कि शरद पवार हमेशा ही कांग्रेस का अपना इधर, हम देखो गठबंधन रखता है, हम इसके लिए नाराज है क्या, हम पूरे इंडिया में महाराष्ट्र में हम ठीक है साथ में, लेकिन हम भिवंडी के लिए नहीं मान सकते। भिवंडी में हमारे ठाणे जिले में कोकण में हमारे शरद पवार ने नुकसानी किया है, इसके लिए हम शरद पवार के पार्टी के खिलाफ है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर के 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।